वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हम लोग बस जिम के लिए निकलने वाले हैं 10-15 मिनट में। ये शिवम के लिए है एक नॉर्मल डे इन आवर लाइफ व्लॉग, क्योंकि हमारे पास कुछ भी अपलोड करने के लिए नहीं था। तो मैंने शिवम को बोला कि यार हम वैसे तो व्लॉग बना नहीं पा रहे हैं, तो हम एक रेगुलर डे हमारा व्लॉग के थ्रू इन लोगों को दिखाते हैं। तो शिवम को लगता है ये है एक रेगुलर डे इन आवर लाइफ, बट इट्स नॉट। It's actually a prank video. Yes, you heard it right. It's a prank video again. आप लोगों ने पहले वाले prank पे इतना प्यार दिया है तो मेरा मन करा कि यार फिर से एक prank कर ही देते हैं। और मैंने ना Instagram पे ना एक video देखी थी, तो ये prank उसी से inspired है। एक couple की video देखी थी जिसमें ना लड़की ने फ़ोन प्लेस करा हुआ था और वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, और कैसे उसका बॉयफ्रेंड उस टाइम पे रिएक्ट कर रहा था। तो मैंने वो वीडियो से इंस्पिरेशन ली है और ये व्लॉग उसी पर आधारित है। लेकिन शिवम को ये लगेगा कि ये हमारा रेगुलर डे व्लॉग है, अभी हम जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम वो सब दिखाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। अभी शिवम नीचे गया हुआ है दूध लेने के लिए, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। इतने में मैंने व्लॉग का इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर लिया। और मेरे को ये भी बताना था कि हमारे हो चुके हैं YouTube पर 75,000 सब्सक्राइबर्स। आई एम सो हैप्पी। अब जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, उसके बाद देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइज। ऑल्सो मुझे एक चीज भी पूछनी थी आप लोगों से, मेरे और शिवम की शादी की एनिवर्सरी आ रही है, हमारे को 1 साल होने वाला है हमारी शादी को। हो कैसे बीत गई ये दिन पता भी नहीं चला। खैर, मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए था। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं शिवम को एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में मत बताना, मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करके कुछ सजेस्ट करो कि मैं उसको ये दे सकती हूँ, वो दे सकती हूँ। बाकी मैंने एक चीज़ सोची हुई भी है, बट मैं उसके लिए ना 100% श्योर नहीं हूँ अभी। तो आपके सजेशंस में से भी देखते हैं, अगर कुछ और बेटर ऑप्शन निकल जाए तो। ये देखो छिपकली में पानी डाल रहा है उसको भगाने के लिए। सो रही है लगता है शिवम, वो ओ ओ पकड़ी। नाइस नाइस, गुड जॉब हस्बैंड, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। दिल करता है तुझे दे दूंगा गाली। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब जिम। अब हम एक तो हमारा जिम रेगुलर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। हमारा एक ना एक दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर हम आते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है हमारा जिम का। अब हम आज आए हैं, अब देखते हैं कितने दिन हमारी छुट्टी होती है इसके बाद। बहुत दिनों बाद आज जिम के दर्शन करते हुए। इसकी वजह से ही रोज छुट्टी होती है, कल भी आपकी वजह से ही छुट्टी हुई थी जिम की। ग्रोवर फैमिली निकल चुके हैं जिम से। शिवम अभी आ गए, वो फोन पे बात कर रहा है। और आज हमारा चेस्ट डे था। इतना बकवास लगता है ना मुझे चेस्ट डे, सबसे गंदा लगता है मुझे। चेस्ट की एक्सरसाइज एक भी अच्छी नहीं लगती। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि शिवम भैया क्या सच में किचन में काम करते हैं, तो ये उनके लिए है कि यस, शिवम भैया सच में करते हैं। बहुत सारा काम करता हूँ और अपनी पत्नी को खुश रखता हूँ। ये किचन नहीं, मैं बताती हूँ ना ये किचन में क्या काम करते हैं। फैलाने का काम, कूड़ा गिराने का काम, बर्तन इधर से उधर रखने का काम, अलमारी खोल के आधा सामान गिरा देने का काम, इतना सारा काम करते हैं आपके शिवम भैया। अच्छा, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है सबसे। काफी सारी लड़कियां मेरे को शिवम भैया लिखती हैं, तो प्लीज मेरे को शिवम भैया मत लिखें, इसको जो मर्जी बोलो, दीदी, भाभी, आंटी, हेलो, कुछ भी, बुआ, मासी, जो मर्जी बोलो, मेरे को कोई लड़की भैया नहीं बोलो। तो गाइस अब टाइम हो गया है प्रैंक करने का। शिवम अभी वॉशरूम में गया अपना फेस वॉश करने के लिए। मैं दो जगह पे फोन प्लेस कर रही हूँ, एक तो इस ब्लॉग के लिए और प्लस मैं एक इंस्टाग्राम की रील के लिए भी कर रही हूँ। तो मैं अब दोनों की लोकेशन आपको दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। तो एक फोन मैंने यहाँ पर इनके पीछे छुपा दिया और दूसरा फोन मैं इधर प्लेस करने वाले जोशीना के डब्बी के आगे। तो गाइस शिवम अभी भी वॉशरूम में ही है, मैं फटाफट से अब गिनने की एक्टिंग करती हूँ। ओके
It was at this moment that he knew he fucked up. तने क्या हुआ? पानी लाता हूँ मैं तेरे, रुक जा मैं पानी लाता हूँ तेरे लिए. तने उठो बाबू, बाबू उठो, उठो बाबू, बाबू उठो, बाबू, बाबू उठो. क्या है वो, क्या है वो, क्या समझा ना, को तेरे कार में भी जाना चाहिए. वेट सुनो यार, तू पागल है क्या जाने यार. यार शिवम ऐसे कौन करता है, मेरे को अच्छा नहीं लगा तो तेरी ये बात. मैं पूरी फेंक गई. अगली बार अगर तूने ऐसा कुछ किया मेरे साथ, कुछ हरकत करी ना, अब एक लेवल होता है इन चीजों का. ठीक है, क्या पूरा पोछा मारना पड़ेगा यार. मारो फिर उल्टे सीधे गिरने गुरने वाला. अगर छोड़ लगी उसकी फिर अब ये पोंछा मैं पहनी मारने वाली हूँ. भगवान ने करे कभी असली में गलती से गिर गई तो फिर मेरे को तो ये लगेगा तू प्रैंक कर रही है. तब भी पूछने तो आओगे ना. मैंने चाहिए तेरे को, मैंने देख लिया था, मेरे को नजर पड़ गई थी. मेरा अभी दिल की धड़कन है अभी भी तेज हो गई है. पास में लगी थी रहते सारा गंदा गंदा कर दिया यार. बहुत पानी पानी हो गया. और ये क्या तुमने उधर रील बन रही थी, मैं रील के लिए भी बना रही थी, उधर ब्लॉग के लिए बना रही थी. यहाँ पे पोचा मारो गाइस, ये प्रैंक फ्लॉप हो गया है. ये ज्यादा ही स्मार्ट हो गया मेरा पति. अब आज के बाद मैं कोई प्रैंक नहीं करने वाली हूँ, मुझ पे भारी पड़ा ही है. लास्ट देख कैसे गिरा शोर मचाने के लिए. अरे नहीं, पहले मैं ऐसे ही गिरी थी अपने आप ही, आप आए नहीं. फिर मैंने धमकी आवाज भी करी तब भी नहीं आए. फिर मैंने ग्लास गिरने की एक्टिंग करी. मतलब प्रैंक तूने करा मेरे साथ, गलत तूने करा मेरे साथ. और देख लो वाइपर तो मेरे साथ भी गलत हुआ. मैं पूरी भीगी हुई इस टाइम, मुझे नहाने भी जाना पड़ेगा. तो गाइस आप देख सकते हो ये प्रैंक पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया है. मैं पूरी इस टाइम भीगी हुई हूं. मैं नहाने के लिए जाती हूँ. इसको पता नहीं कैसे पता ही चल गया था, इसने कैमरा देख लिया. भाई साहब ज्यादा स्मार्ट हो गए तुम. ये घर अब घर नहीं रहा, ये घर एक ब्लॉगिंग चैनल बन चुका है जिसके सारे के सारे सदस्य मेंबर्स आप सब 80,000 फैमिली मेंबर्स हैं हमारे. होने वाले 80,000. लेकिन मजा आएगा सबको देखने में. होना भी चाहिए था तेरे साथ, यही होना चाहिए था यार. मैं इधर से मेरा रील का कंटेंट भी बन रहा था. गाइज ये प्रैंक हो गया है फेल. मैं पूरी भीग चुकी हूँ. मेरा पति इस टाइम पोछे मार रहा है, पोछे नहीं वाइपर मार रहा है एक्चुअली. इधर मेरा रील का कंटेंट भी फेल हो गया. यार शिवम आप एक्टिंग नहीं कर सकते थे, एक बार भी कंसर्न नहीं दिखाया आपने. कंसर्न क्या कंसर्न, वीडियो देखी तू, घबरा गया था मैं. अभी देखूंगी, मैंने देखी थी ना यार. मैं मेरे से ना हंसी इतनी मुश्किल से कंट्रोल हुई हो रही है, जुखाम वुखाम लग जाएगा. जा रही हूँ जा रही हूँ. मेरे से हंसी इतनी मुश्किल से कंट्रोल हुई है जब ऐसे धड़ 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 कर रहा है. तो मजा आ गया मुझे तो. आज इसके साथ यही होना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया था. ये बहुत ड्रामे हो गए हैं इसके, प्रैंक व्रैंक वाले. एक आध बार ठीक लगता है, और एक बार को तो घबरा गया था मैं बहुत ज्यादा. मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, अभी भी धीरे 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 नॉर्मल हो रही है. और वैसे इसको नहीं करनी चाहिए ऐसी हरकतें, किसी को भी नहीं करनी चाहिए. अगला बंदा सीरियसली घबरा जाता है बहुत ज़्यादा. बट आज मैंने इसे इसका स्वाद चखा दिया, इसने जो प्रैंक किया इसको समझा दिया कि हाँ जी इन रिटर्न आपके साथ ये भी हो सकता है. थैंक गॉड इसको, मतलब बेवकूफ को कैमरा भी नहीं लगाना आया. कैसे लगाते हैं, क्लियर बड़ा बड़ा कैमरा सामने लगा हुआ है, किधर हो रहा किधर, डबल डबल कैमरा बेशरम. तो नहाने गई हुई है बेचारी अब. हाँ जी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बुरा. आज के बाद नो प्रैंक्स. बस मुझे लग ही रहा था आज के बाद तेरी हरकत, तेरी हिम्मत नहीं होगी इतना उल्टा सीधा कोई प्रैंक करने की. बहुत बुरा यार, अब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए. बाबू जब बच्चा, वो क्या डायलॉग था वो, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है.
तो मैंने उंगली इतनी टेढ़ी कर ली कि तू आज के बाद ना तेरी बैंड बजेगी। वो क्या था, नहीं दूसरा डायलॉग था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक सारे ही बोल दो मुहावरे। चल ठीक है ना तू, ठंड वंड जुकाम छीके कोई बात नहीं। आज के बाद आप लोग कमेंट्स में मत बोला कि प्रैंक करो, मैंने नहीं करना प्रैंक। अब मैं वैक्यूम क्लीनर तेरे नाक पे लगाऊंगा और सारा देसी घी बाहर, और उसी देसी घी से तुझे परौंठे बना के मैं खिलाऊंगा। चलो ठीक है गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, सब्सक्राइब मत भूलना। मैंने इतना सब कुछ किया है, अपने ऊपर पानी भी झेल लिया है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर बनता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें तांशी व्लॉग्स के चैनल को। और 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पे, जैसा कि हमने प्रॉमिस करा है, एक बहुत प्यारा सरप्राइज आप सबके लिए वेट कर रहा है। हम तो जल्दी से वेट कर रहे हैं वो सरप्राइज देने के लिए। आप बस सब्सक्राइब करवा अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी बुआ से, अपनी मासी से, अपने मामे से, अपने चाचे से, सबसे सब्सक्राइब करवा दो, और उनके बच्चों से भी। ओके बाय बाय।